नमस्कार दोस्तों, कल से अगर पहली बार बिग बॉस से निकलने के बाद किसी की सबसे ज़्यादा तारीफ़ या चर्चा हो रहा है तो भैया वो शिवानी को लेकर है। और इस पूरे सीज़न में सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा हुई है मतलब कि इसके बाद तो शिवानी की है। अब इस चीज़ को देखकर अधिकतर लोग खुश है कि भाई एक गाँव की लड़की ने इतना नाम कमा लिया और ज़्यादा पहचान बिग बॉस में आने के बाद मिल गई। हालांकि बिग बॉस ने भी अपनी TRP इन्हीं के चक्कर में बटोरी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज उन सभी को देना चाहूँगा शिवानी के माध्यम से। शिवानी जिस जगह रहती है, जिस ठेठ गाँव में रहती है, ऐसी और भी कई जगह है जहाँ पर सच में जातिवाद को लेकर बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे आपके पड़ोस का बच्चा अगर किसी भी लेवल तक पहुँच जाए तो उसके पड़ोस वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी नज़र में उसका बच्चा पहुँचा है, तुम्हारा नहीं। सेम यही चीज़ शिवानी के मोहल्ले में भी है। शिवानी इतने हाई लेवल तक पहुँच चुकी है, उससे इनके पड़ोस वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जब बिग बॉस में इसको एंट्री मिली थी तो कई लोगों ने इसको ट्रोल करा था, तो भाई उनके मुँह पर तमाचा एक तरीके से शिवानी ने मारा है। और कई लोगों ने, अधिकतर यूट्यूबर जो गांव के ही लोग हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया था। लेकिन कल की वीडियो में मैंने ये भी देखा कि भाई नीले कबूतर भी पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद अगर कोई दलित दलित कहता है तो तुम्हारे सुई चुप जाती है कि भाई दलित बोल दिया दलित। लड़की चाहे कितने हाई लेवल पहुंच जाए, लड़का चाहे कितने हाई लेवल पहुंच जाए, दलित ही कहा जाता है। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि सुई चुभा कौन रहा पीछे पीछे से। अब बात करते हैं अदनान की। जब से इसको एंट्री मिली थी बिग बॉस में, तब से इसके जितने भी जानने वाले हैं या जितने भी इसके दोस्त यार हैं, सबको ऐसा लगने लग गया था कि भाई आप तो ये बंदा जीते गई। क्योंकि जब इस बंदे ने एंट्री करी थी बिग बॉस के अंदर, तब कोई भी ऐसा बंदा इतना फैन फॉलोइंग वाला नहीं था। दोस्त यार और जितने भी इसके पहचानने वाले मानने वाले सबको मिला के 50 मिलियन से अधिक थे, जितने शायद बिग बॉस में आधे के भी किसी के नहीं थे। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, 50 मिलियन वाला निकल गया 5 दिन में। अब बिग बॉस से आने के बाद फिर से धमकी दे रहा है कि आ जाओ सिस्टम हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और गाने का नाम है सिस्टम हैंग, जो बचा कुचा हैंग होना बचा है तो वो भी पूरा हैंग कर देंगे। अब देखो, इसको तो कोई काम धाम मिलता है नहीं, ना इसको कोई काम धाम के लिए बुलाता है। इंस्टा से बंदा पूरा गायब है, केवल फॉलोअर की संख्या लेकर घूम रहा है। फिर बताना पड़ता है, जब इन लोग मुंबई दिल्ली कर रहे हैं तो मुंबई वाले को बताना पड़ता है कि कितना हार्ड है मुंबई वाले, तो अभी आ गए बताने के लिए। तो भाई देखो, टोटल मिला के बात ये कर रहा है कि तुम्हारा जो दिल्ली का राजवीर है इतना बोल रहा था, इतना भोग रहा था, आकर तो तुरंत भाग गया। भाई इसने रजत का नाम लिया, एलविश का लिया, कटारिया का लिया, मेरा नाम नहीं लिया एक बार भी। अब बात ये है कि मैं तो इसकी पूरी फील्डिंग सेट करके बैठा हूँ। ये इसको मैंने चैलेंज दिया हुआ कि मेरा नाम ले दे बस एक बार, ये नाम लेगा और मैं हाथ चढ़ा दूंगा। तो राजवीर को भी कहूंगा कि भाई देखो, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बोले कि हाँ मेरे एक बार नाम लेके देखा, हाथ दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर जाने के बाद एक दिन में तुरंत वापस आ गए। जब तुम इतनी भाई बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, बड़ी बड़ी बोल रहे हो, तो भाई उसका पूरा भी करना चाहिए। कोई कह नहीं रहा है कि आप वहाँ पे जाओ लड़ो जाकर के। हर कोई जानता है कि भाई दिल्ली मुंबई बहुत दूर है, कोई नहीं लड़ पाएगा वहाँ जा करके। कितने लोग को लेकर के जाओगे? अगर गलती से तुम वहाँ पे भी गए और पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा कि भाई तू दिल्ली से आ रहा मुंबई डॉनगिरी करने के लिए, लड़ाई दंगा करने के लिए। तो यही चीज़ राजवीर ने बोले कि यार देखो, मैं दिल्ली से मुंबई गया, आप कोई पुलिस वुलिस पकड़ती तो देखो क्या दिक्कत हो जाती मेरे साथ। तो इस चीज़ को लेकर उनको ट्रोलिंग का सामना झेलना पड़ा, जो कि झेलना चाहिए क्योंकि पहले बहुत लंबी लंबी फेंकी थी। नाम इसने मेरा लिया नहीं, जाके मैं इसे पकड़ूंगा। ए भाई, ए तू मेरी जानू है, तू मेरा जान है भाई, मैंने तेरा नाम नहीं लिया, तेरे को नहीं बोला। तो मैं इसलिए नहीं गया कि इसने अभी तक मेरा नाम नहीं लिया है। सबसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें दो इसे, रजत से भी, एलविश से भी। पहले उनसे माफ़ी मंगवा ले तेरी गांड में, तो फिर मैं तुझे बताऊंगा। अब बात करें भाई अदनान को और जितने भी उसके चाटुकार हैं, एजाज के पीछे बहुत ज़्यादा उछलते हैं ना। तो चलो, हमने तुम्हारी बात बड़ी कर दी। राजवीर भाग करके आ गया मुंबई से, कदम रख करके आ गया, यहाँ कदम रख करके भी दिखा दो। आखिर में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, राजवीर हो या कोई भी भाई, उतनी चीज़ बोलनी चाहिए जितना तुम्हें हो सकता है कि आगे कर सकते हो, क्योंकि नाबालिग तो कोई भी नहीं है। हर कोई जानता है कि आगे क्या स्टेप उठाना पड़ सकता है, आगे क्या झेलना पड़ सकता है जिसको लेकर बोल रहे हैं उसके सामने, और जो हम अगर कैमरे में बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, तो ऑडियंस की तरफ से क्या झेलना पड़ सकता है। नमस्कार।